गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस वीडियो में हम मई 2019 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक है, इस किताब के ऑथर कौन है? राइट आंसर है मिस सबा नकवी। सो मिस सबा नकवी है वो इस बुक की ऑथर है। रिसेंटली इनमें से किस चाइनीज सिटी में बेल्ट एंड रोड फोरम आयोजित हुआ? राइट आंसर है बीजिंग। सो रिसेंटली चाइना के बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम आयोजित हुआ और इसका थीम था बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन शेपिंग ए ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करने वाले पहले इंडियन रेसलर कौन बनेंगे? राइट आंसर है मिस्टर बजरंग पूनिया। सो मिस्टर पूनिया है वो न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करने वाले पहले इंडियन रेसलर बनेंगे। किस आईआईटी ने भारतीय स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए एक ओसीआर सिस्टम तैयार किया है? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने एक ओसीआर सिस्टम तैयार किया है भारतीय स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। भारतीय स्क्रिप्ट है वो 9 इंडियन लैंग्वेजेस की एक यूनिफाइड स्क्रिप्ट तैयार की गई है, इसे भारतीय स्क्रिप्ट का नाम दिया गया है और इसको पढ़ने के लिए एक मल्टीलिंगुअल ओसीआर तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने। किस दिन वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है? राइट आंसर है 28 अप्रैल। हर साल आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के तौर पर ऑब्जर्व करता है। किस इंडियन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर है वो तैयार किया है? राइट आंसर है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो रिसेंटली जामिया मिलिया इस्लामिया के रिसर्चर्स ने अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर डेवलप किया है। शांति के लिए मल्टीलेटरलिज्म और डिप्लोमेसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? राइट आंसर है 24 अप्रैल। सो रिसेंटली 24 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने शांति के लिए मल्टीलेटरलिज्म और डिप्लोमेसी का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे मनाया। आरबीआई के लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था उसके हेड कौन है? राइट आंसर है मिस्टर बिमल जालान। सो मिस्टर बिमल जालान इस कमेटी के हेड हैं। इस कमेटी का गठन दिसंबर 2018 में किया गया था और इसका उद्देश्य है आरबीआई के लिए इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिव्यू करना। बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीतने वाले कौन हैं? राइट आंसर है मिस्टर डोमिनिक थियम। सो मिस्टर डोमिनिक थियम ने मेन सिंगल कैटेगरी में टाइटल जीता है, ये स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। इनमें से किस क्रिकेटर को 2019 के अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है? राइट आंसर है मिस पूनम यादव। सो रिसेंटली बीसीसीआई ने मिस्टर मोहम्मद सामी, मिस्टर जसप्रीत बुमराह, मिस्टर रविंद्र जडेजा और मिस पूनम यादव को 2019 के अर्जुन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने 2019 के लिए किन्हें फुटबॉलर ऑफ ईयर से सम्मानित किया है? राइट आंसर है मिस्टर रहीम स्टर्लिंग। सो 2019 के लिए फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने मिस्टर रहीम स्टर्लिंग को फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए सेलेक्ट किया है, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में मिस निकिता पेरिस हैं, उन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन से भारतीय टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हैं? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रिसेंटली टाइम मैगजीन ने लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड जारी की है और इस लिस्ट में 3 इंडियन शामिल हैं, ये हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस अरुंधति काटजू और मिस मेनका गुरुस्वामी। पोंगम कन्नन जिनका रिसेंटली निधन हुआ है वो किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है फुटबॉल। वो एक फुटबॉलर थे और रिसेंटली उनका निधन हुआ है। किस दिन इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है? राइट आंसर है 29 अप्रैल। सो हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फिलिपिनो पर्सनल केयर फर्म स्प्लैश को एक्वायर किया है?
राइट आंसर है विप्रो। सो रिसेंटली विप्रो ने फिलीपींस की पर्सनल केयर फर्म स्प्लैश कॉरपोरेशन को एक्वायर किया है। किस देश ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट सफाई अभियान शुरू किया है? राइट आंसर है नेपाल। रिसेंटली नेपाल ने 45 दिवसीय एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया है। इग्नू ने किस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जीएसटी पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने के लिए। इनमें से किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड कायम किया है 24 घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स रेज करके? राइट आंसर है बेरूत यानी लेबनान की राजधानी बेरूत है, उन्होंने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है एक शहर में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स रेज करके। क्लेयर पोलोसेक जो कि फर्स्ट फीमेल अंपायर बनी हैं जिन्होंने मेंस वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की है, वो किस देश से हैं? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मिस क्लेयर पोलोसेक हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो फर्स्ट फीमेल अंपायर बनी हैं जिन्होंने मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की है। उन्होंने नामीबिया और ओमान के बीच मैच में अंपायरिंग की थी। नेगासो गिदादा जिनका रिसेंटली निधन हुआ है वो किस देश के फॉर्मर राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है इथोपिया। सो मिस्टर गिदादा इथोपिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। सिप्री के लेटेस्ट डाटा के हिसाब से मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में कौन सा देश सबसे बड़ा स्पेंडर है? राइट आंसर है यूएसए। सो रिसेंटली सिप्री ने लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है और इसके हिसाब से यूएसए मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में टॉप पोजीशन पर है। अल्फ्रेड ब्राउनेल जिन्होंने 2019 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता है वो किस देश से हैं? राइट आंसर है लाइबेरिया। वो लाइबेरिया से हैं और रिसेंटली उन्होंने 2019 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो रिसेंटली BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ARAI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई मोबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर कोऑपरेशन के लिए। ARAI मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है। इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने 2019 का स्पेनिश ला लीगा टाइटल जीता है? राइट आंसर है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। सो रिसेंटली बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने 2019 के स्पेनिश ला लीगा टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली कमेटी के हेड कौन होंगे? राइट आंसर है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। रिसेंटली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी के हेड हैं वो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे। रिसेंटली किस देश ने 1971 के वार हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है? राइट आंसर है इसराइल। सो रिसेंटली इसराइल ने 1971 के वार हीरो लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है। किस हॉकी प्लेयर को 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर PR Srijesh। सो मिस्टर PR Srijesh जो कि गोलकीपर हैं उन्हें 2019 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडो फ्रेंच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुण इनमें से किस स्टेट में शुरू हुई है? राइट आंसर है गोवा। सो ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच और ये गोवा कोस्ट पर शुरू हुई है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट है जो कि रिसेंटली न्यूज में था इनमें से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है पाकिस्तान। ऑपरेशन स्विफ्ट
रिटोर्ट हैं वो पाकिस्तान से संबंधित हैं। मार्लेबोन क्रिकेट क्लब के पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर हैं मिस्टर कुमार संगकारा। सो श्रीलंकन क्रिकेटर मिस्टर कुमार संगकारा हैं वो मार्लेबोन क्रिकेट क्लब के नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने हैं। वो श्रीलंका से हैं। 8th एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो कौन सा शहर आयोजित करवाएगा? राइट आंसर है जयपुर। सो जयपुर हैं वो 8th एशियन यूथ वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का होस्ट हैं। 2018-19 में कौन सा देश इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बना है? राइट आंसर है इराक। सो इराक है वो कंटिन्यूसली दोबारा इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बना है। सऊदी अरबिया सेकंड पोजीशन पर हैं जबकि ईरान थर्ड पोजीशन पर और यूएई फोर्थ पोजीशन पर हैं। माउलू केव जो कि रिसेंटली न्यूज में थी वो किस राज्य से एसोसिएटेड हैं? राइट आंसर है मेघालय। सो ये केस मेघालय से एसोसिएटेड हैं। सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर 6 महीने के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंध लगाया है कोलोकेशन केस मामले में? राइट आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो रिसेंटली सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6 मंथ्स के लिए प्रतिबंध लगाया है कोलोकेशन केस मामले में। 2019 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या था? राइट आंसर है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इवेंट है उसको यूनेस्को अफ्रीकन यूनियन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया था इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है USA। ये अमेरिका से संबंधित है और इसके तहत कुछ देशों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने की परमिशन होती है। इंडिया GSP का एक बेनिफिशरी है और रिसेंटली GSP न्यूज में था क्योंकि US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि USA इंडिया के लिए GSP बेनिफिट्स खत्म कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है वियना। सो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। किस भारतीय रेसलर ने 2019 के अलीयेव कुश्ती टूर्नामेंट में फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर है मिस्टर बजरंग पूनिया। सो मिस्टर बजरंग पूनिया ने अलीयेव रेसलिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बनी है? राइट आंसर है मिस जयश्री व्यास। सो मिस जयश्री व्यास हैं वो पहली इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। किस दिन वर्ल्ड ट्यूना डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है? राइट आंसर है 2nd of May। हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। भारत फाइबर जो कि रिसेंटली न्यूज में था वो किस टेलीकॉम कंपनी से एसोसिएटेड है? राइट आंसर है BSNL। भारत फाइबर BSNL से एसोसिएटेड है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किस कमेटी के तहत जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है? राइट आंसर है UNSC 1267 कमेटी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ मिलकर टाई अप किया है वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजीज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने के लिए? राइट आंसर है IIT दिल्ली। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ एक टाई अप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजीज के लिए। कौन से देश की पार्लियामेंट विश्व की पहली पार्लियामेंट बनी है जिन्होंने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की है? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली मिस ग्रेटा टुनबर्ग हैं उन्होंने UK के लॉ मेकर्स से क्लाइमेट चेंज पर कार्रवाई करने की मांग की थी। मिस ग्रेटा टुनबर्ग हैं वो स्वीडन की एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और उन्हें 2019 के नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। इनमें से किस राज्य की सिटी पुलिस ने
ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट रानी अबक्का फोर्स शुरू की है। राइट आंसर है कर्नाटका। सो रिसेंटली मंगलुरु सिटी पुलिस ने एक ऑल वुमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट रानी अबक्का फोर्स शुरू की है। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग के 16th मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन को किन्होंने लीड किया? राइट आंसर है मिस्टर वी के सिंह। सो रिसेंटली एशिया कोऑपरेशन डायलॉग की 16th मिनिस्ट्रियल मीटिंग कतर की राजधानी दोहा में हुई और इसमें इंडियन डेलीगेशन को मिस्टर वी के सिंह ने लीड किया। इस इवेंट का थीम था पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। किस फॉर्मर इसरो चीफ को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर ए एस किरण कुमार। सो मिस्टर ए एस किरण कुमार को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मिस्टर ए एस किरण कुमार इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक बना है जिन्होंने इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की रेपो रेट से लिंक की है? राइट आंसर है एसबीआई। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडियन बैंक बना है जिन्होंने लोन इंटरेस्ट रेट और सेविंग रेट्स हैं वो आरबीआई की रेपो रेट के हिसाब से लिंक की है। लोकपाल के ऑफिस में किन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर दिलीप कुमार। सो मिस्टर दिलीप कुमार को लोकपाल के कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है। किंग महा वज्रालोंकोन इनमें से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है थाईलैंड। सो किंग महा वज्रालोंकोन थाईलैंड से संबंधित हैं। किस दिन को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है? राइट आंसर है 4 मई। सो हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यूरोप में नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर टोड वॉल्टर्स। सो रिसेंटली यूएस एयरफोर्स के जनरल मिस्टर टोड वॉल्टर्स को यूरोप में नाटो के सुप्रीम एलाइड कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नंबर वन पोजीशन हासिल की है? राइट आंसर है मिस अपूर्वी चांदेला। सो रिसेंटली ISSF ने रैंकिंग्स जारी की है और इन रैंकिंग्स के हिसाब से मिस अपूर्वी चांदेला हैं वो विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन पर हैं। टीपी सिगमैन एंड को इंटरनेशनल टूर्नामेंट इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है चेस। टीपी सिगमैन एंड को इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो चेस से संबंधित हैं और ये रिसेंटली स्वीडन में शुरू हुआ था। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने 2019 एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में वुमेन्स टाइटल जीता है? राइट आंसर है मिस जोशना चिनप्पा। सो रिसेंटली मिस्टर सौरभ घोषाल और मिस जोशना चिनप्पा ने मेंस एंड वुमेन्स टाइटल जीता है एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में। ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई थी। दूति कृष्ण पांडा जिनका रिसेंटली निधन हुआ है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के वेटरन पॉलिटिशियन थे? राइट आंसर इज CPI। वो CPI के एक वेटरन लीडर थे। रिसेंटली ओडिशा के भुवनेश्वर में उनका निधन हो गया। 58th वेनिस बियनल 2019 में इंडियन पवेलियन का थीम क्या है? राइट आंसर है 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। सो 58th वेनिस बियनल का थीम है आवर टाइम फॉर फ्यूचर केयरिंग और इंडियन पवेलियन का थीम है 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। किस IIT ने ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप किया है उन्नत भारत अभियान को अपस्केल करने के लिए? राइट आंसर है IIT कानपुर। सो रिसेंटली IIT कानपुर ने उन्नत भारत अभियान को अपस्केल करने के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिवील किया है कि जायंट एस्ट्रॉइड 9942
एपोफिस एक डिकेड में अर्थ के नजदीक से उड़ान भर सकता है। राइट आंसर है नासा। सो रिसेंटली नासा ने रिवील किया कि एस्ट्रॉइड 9942 एपोफिस है, वो 2029 में अर्थ के काफी क्लोज हो सकता है। किस इंडियन जर्नलिस्ट ने 2018 का ACJ अवार्ड जीता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए? राइट आंसर है मिस नीलिमा MS। सो मिस नीलिमा MS जो कि द कारवां की एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने 2018 के लिए ACJ अवार्ड जीता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। INS वेला जो कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च किया गया है, वो इंडिया और किस देश के बीच एक जॉइंट वेंचर है? राइट आंसर है फ्रांस। सो प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के बीच एक जॉइंट वेंचर है और इसके तहत INS वेला रिसेंटली लॉन्च किया गया है मजगांव डॉक पर। वंदना जिन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल, वो किस देश से हैं? राइट आंसर है नेपाल। सो मिस वंदना नेपाल से हैं और उन्होंने 126 घंटे कंटिन्यूसली डांस करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। 2019 के G7 समिट के लिए कौन सा देश चेयर है? राइट आंसर है फ्रांस। सो 2019 की G7 समिट के लिए फ्रांस अध्यक्ष हैं। 2019 की G7 समिट अगस्त में फ्रांस में होगी और इंडिया को इस समिट के लिए इनवाइट किया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या है? राइट आंसर है स्टॉप फॉर अस्थमा। हर साल मई के फर्स्ट ट्यूसडे को वर्ल्ड अस्थमा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था स्टॉप फॉर अस्थमा। माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है मिस्टर बाउबो सिस्से। सो मिस्टर बाउबो सिस्से हैं, वो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माली की बात करें तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और माली की राजधानी है बामाको। संयुक्त राष्ट्र से कर्तव्य के लिए सम्मानित किए जाने वाले 115 UN पर्सोनल में से कौन से भारतीय शामिल थे? राइट आंसर है मिस्टर जितेंद्र कुमार एंड मिस शिखा गर्ग। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने 115 UN पीस कीपर्स और स्टाफ को सम्मानित किया, इनमें से दो भारतीय भी थे, एक मिस्टर जितेंद्र कुमार और दूसरी मिस शिखा गर्ग। इनमें से किस से संबंधित है? राइट आंसर है एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट से संबंधित है और रिसेंटली गृहा काउंसिल ने गृहा फॉर एग्जिस्टिंग डे स्कूल्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं इंडिया में उनकी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। INS रंजीत जो कि रिसेंटली डीकमीशन किया गया है, उसे किस देश ने बनाया था? राइट आंसर है USSR। INS रंजीत को इंडियन नेवी की 36 वर्ष की सर्विस के बाद रिसेंटली डीकमीशन किया गया है। INS रंजीत है, इसे अस्टवाइल USSR ने बनाया था। ये एक काशिन क्लास डेस्ट्रॉयर है और ये इंडियन नेवी की सर्विस में अवेलेबल था। पनामा के नए राष्ट्रपति के तौर पर कौन इलेक्ट हुए हैं? राइट आंसर है मिस्टर लोरेंटिनो कोर्टिजो। सो मिस्टर लोरेंटिनो कोर्टिजो हैं, वो पनामा के नए राष्ट्रपति के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राइट आंसर है मिस्टर PR रामचंद्र मेनन। सो मिस्टर PR रामचंद्र मेनन हैं, वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं मिस आनंदीबेन पटेल और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलवाई। इंडियन वॉलीबॉल टीम के नए कोच के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर ड्रैगन मेहलोविक। सो मिस्टर ड्रैगन मेहलोविक को इंडियन वॉलीबॉल टीम के नए कोच के तौर पर अपॉइंट किया गया है। 2019 का वी के कृष्णा मेनन अवार्ड किन्हें दिया गया है? राइट आंसर है मिस्टर GD रॉबर्ट गोविंदर। सो मिस्टर GD रॉबर्ट गोविंदर जो कि इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें 2019 का वी के कृष्णा मेनन अवार्ड दिया गया है। द बुक गेम चेंजर है, वो किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर है
मिस्टर शाहिद अफरीदी। सो गेम चेंजर है वो मिस्टर शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी है। किस भारतीय पर्सनैलिटी को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मेंबर इलेक्ट किया गया है? राइट आंसर है जगजीत पवाड़िया। सो मिस जगजीत पवाड़िया है वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की मेंबर री इलेक्ट हुई हैं। ये उनका सेकंड टर्म होगा। वो 2015 से INCB की मेंबर रही हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या है? राइट आंसर है हैशटैग लव। हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मई मिस्टर हेनरी डुनेंट की बर्थ एनिवर्सरी है। वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के फाउंडर थे और 2019 के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम था हैशटैग लव। इनमें से कौन से देश इंटर गवर्नमेंटल फोरम आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं? राइट आंसर है रशिया, स्वीडन एंड USA। रिसेंटली इंडिया आर्कटिक काउंसिल के ऑब्जर्वर के तौर पर री इलेक्ट हुआ है। आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और इसकी स्थापना 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत हुई थी। डेजर्ट स्टॉर्म इनमें से किस शहर में शुरू हुआ है? राइट आंसर है बीकानेर। डेजर्ट स्टॉर्म 2019 जो कि एक क्रॉस कंट्री रैली है वो राजस्थान के बीकानेर से शुरू हुई है। इंडिया का पहला नेचुरल आइस कैफे है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सो इंडिया का पहला नेचुरल आइस कैफे है वो लद्दाख के लेह में है। ये कैफे मनाली लेह हाईवे पर स्थित है और इसे BRO की मदद से बनाया गया है। BRO की बात करें तो ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। किस देश का प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट MOMO-3 आउटर स्पेस में पहुंच गया? राइट आंसर है जापान। सो रिसेंटली जापान का प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट MOMO-3 है वो आउटर स्पेस में पहुंच गया। ये जापान की एरोस्पेस स्टार्टअप इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। डॉक्टर NR माधव मेनन जिन्हें मॉडर्न इंडियन लीगल एजुकेशन का फादर बोला जाता है, रिसेंटली उनका निधन हुआ है, वो किस राज्य से थे? राइट आंसर है केरल। वो केरल से थे और उन्हें मॉडर्न इंडियन लीगल एजुकेशन का फादर बोला जाता है। 2019 के वर्ल्ड थैलेसेमिया डे का थीम क्या है? राइट आंसर है यूनिवर्सल असेस टू क्वालिटी थैलेसेमिया हेल्थ केयर सर्विसेज। हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसेमिया डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और 2019 के वर्ल्ड थैलेसेमिया डे का थीम था यूनिवर्सल असेस टू क्वालिटी थैलेसेमिया हेल्थ केयर सर्विसेज। किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने स्ट्रेस बस्टर सेरोटोनिन को न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन के ट्रीटमेंट में यूजफुल पाया है? राइट आंसर है TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। सो रिसेंटली TIFR मुंबई ने सेरोटोनिन को न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन के ट्रीटमेंट में यूजफुल पाया है। पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर है तमिलनाडु। सो पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं और यहाँ रिसेंटली ग्रिजल्ड जायंट स्क्वेरल की नेस्ट पाए गए हैं। रिसेंटली किन्हें 2019 के US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर टाइगर वुड्स। सो रिसेंटली मिस्टर टाइगर वुड्स को 2019 के US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली CSIR के साइंटिस्ट ने पहली बार किस आइलैंड के लोगों पर जेनेटिक स्टडीज कंडक्ट की हैं? राइट आंसर है लक्षद्वीप। सो रिसेंटली CSIR CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने लक्षद्वीप के लोगों पर पहली बार जेनेटिक स्टडीज कंडक्ट की हैं और इस टीम के हेड थे डॉक्टर के थंगराज। 2019 के UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का थीम क्या है? राइट आंसर है लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है वो 6 मई से स्टार्ट हुआ है और इसका थीम था लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी। बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान हैं, उनके लाइफ पर जो फिल्म बनने वाली है उसे कौन से इंडियन फिल्म मेकर डायरेक्ट करेंगे? राइट आंसर है मिस्टर श्याम बेनेगल। सो मिस्टर श्याम बेनेगल हैं वो बांगा बंधु
शेख मुजीबुर रहमान की लाइफ पर बनने वाली फिल्म है उसको डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा जॉइंटली प्रोड्यूस की जाएगी। शेख मुजीबुर रहमान हैं, उन्हें बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर माना जाता है। मृणाल मुखर्जी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस रीजनल सिनेमा के रिनाउंड एक्टर हैं? राइट आंसर है बेंगोली। सो मिस्टर मृणाल मुखर्जी हैं, वो बेंगोली सिनेमा के रिनाउंड एक्टर थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली मिस्टर अमर पोल, जो कि बेंगोली फोक सिंगर थे, उनका भी निधन हुआ है। बैद्यनाथ मिश्रा, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस फील्ड से संबंधित है? राइट आंसर है इकोनॉमी। सो मिस्टर बैद्यनाथ मिश्रा हैं, वो एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे और रिसेंटली उनका निधन हुआ है। IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल सर्विस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बोन। सो IPBES का मुख्यालय बोन में स्थित है। रिसेंटली IPBES ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, ये है IPBES ग्लोबल असेसमेंट। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल कस्टम हेड्स की मीटिंग किस शहर में आयोजित हुई? राइट आंसर है कोच्ची। सो रिसेंटली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल हेड्स की मीटिंग कोच्ची में आयोजित हुई और इसे CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने आयोजित करवाया। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इंडियन ओरिजिन पीपल की जो ब्लैक लिस्ट थी उसको डिस्कार्ड किया है, यानी कि अभी ये लिस्ट कंटिन्यू नहीं रखी जाएगी? राइट आंसर है MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो रिसेंटली गृह मंत्रालय ने इंडियन ओरिजिन पीपल की जो ब्लैक लिस्ट थी उसको डिस्कार्ड करने का निर्णय लिया है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट के तौर पर अपॉइंट किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास गोल्स। राइट आंसर है मिस दिया मिर्जा। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने 17 ग्लोबल पर्सनैलिटीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट के तौर पर अपॉइंट किया है और इनमें से इंडियन पर्सनैलिटी मिस दिया मिर्जा भी हैं। थोपिल मोहम्मद मीरान, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस भाषा के उपन्यासकार थे? राइट आंसर है तमिल। सो मिस्टर थोपिल मीरान हैं, वो एक तमिल नॉवेलिस्ट थे और एक साहित्य अकादमी अवार्डी थे, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। हाल ही में किस वेल नोन एक्टर ने दोपहरी नामक नॉवेल लिखा है? राइट आंसर है मिस्टर पंकज कपूर। सो मिस्टर पंकज कपूर ने दोपहरी नामक नॉवेल लिखा है, ये उनके एक प्ले पे बेस्ड है जिसका नाम भी दोपहरी था, जो उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट किया था। JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, वो इनमें से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबो। रिसेंटली JCPOA न्यूज़ में था क्योंकि ईरान ने अनाउंस किया है कि वो JCPOA के तहत डिसाइडेड की गई टर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे जब तक वो US सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए कोई वे आउट फाइंड कर लेते हैं। हाल ही में कौन से इंडियन जज को CSAT यानी कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर KS राधाकृष्णन। सो रिसेंटली जस्टिस KS राधाकृष्णन हैं, उनको CSAT के मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। उनको 4 years के लिए अपॉइंट किया गया है। CSAT की बात करें तो ये लंदन बेस्ड ट्रिब्यूनल है। किस फिनटेक स्टार्टअप कंपनी ने इंडिया का पहला UPI बही खाता लॉन्च किया है? मर्चेंट्स के लिए यानी व्यापारियों के लिए पहला UPI बही खाता किस फिनटेक कंपनी ने शुरू किया है? राइट आंसर है भारत पे। सो रिसेंटली भारत पे ने व्यापारियों के लिए इंडिया का पहला UPI बेस्ड बही खाता लॉन्च किया है। इंडिया का न्यूएस्ट पिट वाइपर है, वो इनमें से किस स्टेट में पाया गया है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का न्यूएस्ट पिट वाइपर पाया गया है। ये एक जहरीला सांप है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। रिसेंटली IMMA यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किन्हें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया है? राइट आंसर है मिस्टर राकेश शर्मा। सो बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर राकेश शर्मा को IMMA यानी इंटरनेशनल
मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया है। IMMA का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का सबसे अधिक रिजोल्यूशन वाला इमेज सेंसर लॉन्च किया है? राइट आंसर है सैमसंग। सो रिसेंटली सैमसंग ने विश्व का हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाला इमेज सेंसर लॉन्च किया है स्मार्टफोन्स के लिए। डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में कंडक्टेड हुई ग्रुप सेल नावल एक्सरसाइज में किन देशों ने पार्टिसिपेट किया? राइट आंसर है जापान, फिलीपींस एंड इंडिया। रिसेंटली INS कोलकाता और INS शक्ति ने साउथ चाइना सी में ग्रुप सेल नाम की नावल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडिया, जापान, फिलीपींस और USA की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। कौन सी कंपनी 2019 के ICC वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है? राइट आंसर है अमूल। सो अमूल 2019 के वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। इनमें से कौन सा देश ऑफिशियली सेकेंड कंट्री बना है जिन्होंने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की है? राइट आंसर है आयरलैंड। सो रिसेंटली आयरलैंड वर्ल्ड में सेकेंड कंट्री बना है जिन्होंने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की है। 2019 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया गया? राइट आंसर है 11 मई। सो हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। ये डे इसलिए स्पेशल है क्योंकि 1998 में इंडिया ने पोखरण में इसी दिन सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। YC देवेश्वर, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस कंपनी के लीडर थे? राइट आंसर है ITC। रिसेंटली ITC चेयरमैन मिस्टर YC देवेश्वर का निधन हुआ है। उन्हें 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और वो इंडिया की किसी कंपनी के लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO हैं। किस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इंडियन आर्मी। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन के तौर पर कॉमेमोरेट करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूर्व सैनिकों और सर्विंग सोल्जर्स और शहीदों के परिवारों को मिलने वाली डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रोफेसर किरपाल सिंह, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस फील्ड की रिनाउंड पर्सनैलिटी थे? राइट आंसर है हिस्ट्री। प्रोफेसर किरपाल सिंह एक रिनाउंड हिस्टोरियन थे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लॉ को मंजूरी दी है जिसके तहत SC और ST एम्प्लॉयज को प्रमोशन और सीनियोरिटी में रिजर्वेशन प्रदान किया गया है? राइट आंसर है कर्नाटक। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत SC और ST एम्प्लॉयज को सीनियोरिटी और प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। 2019 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या था? राइट आंसर है प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। हर साल 11 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और 2019 के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम था प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। WHO ने किस वर्ष तक इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट को खत्म करने के लिए IFBA यानी इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है? राइट आंसर है 2023। सो WHO ने 2023 तक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांसफैट है उसको ग्लोबल फूड सप्लाई से खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप WHO के रिप्लेस इनिशिएटिव के तहत की गई है जिसका उद्देश्य है ग्लोबल फूड सप्लाई से ट्रांसफैट को एलिमिनेट करना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नवी मुंबई। सो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। रिसेंटली कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है ट्रेन सेट्स सप्लाई करने के लिए। दो के
मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है? राइट आंसर है मिस्टर नोवाक जोकोविक। सो मिस्टर नोवाक जोकोविक ने 2019 के मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल जीता है। आंद्रे रसेल जो कि 2019 के आईपीएल टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं, वो किस टीम से संबंधित हैं? राइट आंसर है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स। रिसेंटली मुंबई ने 2019 का आईपीएल टूर्नामेंट जीता है। डेवलपिंग कंट्रीज की डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग इनमें से किस शहर में आयोजित हुई? राइट आंसर है नई दिल्ली। सो रिसेंटली डब्ल्यूटीओ के डेवलपिंग कंट्रीज की मिनिस्ट्रियल मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित हुई। हीरालाल यादव जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस रीजनल सिनेमा के म्यूजिशियन थे? राइट आंसर है भोजपुरी। सो मिस्टर हीरालाल यादव भोजपुरी सिनेमा के म्यूजिशियन थे और रिसेंटली उनका निधन हुआ है। विश्व की पहली एक्सक्लूसिव विमेंस क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन में फीचर होने वाली इंडियन क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर है मिस स्मृति मंधाना। सो रिसेंटली विश्व की पहली एक्सक्लूसिव विमेंस क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन न्यूज में थी। ये रिसेंटली जयपुर में रिलीज की गई है और मिस स्मृति मंधाना इसमें कवर स्टोरी पर है। 2019 का मकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप किन्होंने जीता है? राइट आंसर है मिस छाया शर्मा। सो आईपीएस ऑफिसर मिस छाया शर्मा ने 2019 का मकेन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप जीता है। विलाय ऑफ हिंद जो कि रिसेंटली न्यूज में था, किस फील्ड से एसोसिएटेड है? राइट आंसर है मिलिटेंट प्रोविंस। सो रिसेंटली इस्लामिक स्टेट ने क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया में विलाय ऑफ हिंद नाम से एक प्रोविंस एस्टेब्लिश किया है। 2019 के इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम क्या है? राइट आंसर है नर्सेस ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे के तौर पर मनाया गया और इसका थीम था नर्सेस ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर्स जो कि रिसेंटली न्यूज में थे, किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर है यूएसए। सो अपाचे एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जो यूएस आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने यूएस गवर्नमेंट और बोइंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए और रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स को फर्स्ट अपाचे हेलीकॉप्टर है वो हैंड ओवर किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? राइट आंसर है मिस्टर अभय श्रीनिवास ओका। सो रिसेंटली मिस्टर अभय श्रीनिवास ओका हैं वो कर्नाटक हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। सीएट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर 2019 किन्हें चुना गया है? राइट आंसर है मिस्टर जसप्रीत बुमराह। सो रिसेंटली मिस्टर जसप्रीत बुमराह को सीएट इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है, जबकि मिस्टर विराट कोहली 2019 सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर बने हैं। 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है लिस्बोन। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2020 के ओशियन कॉन्फ्रेंस को लिस्बोन में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। हाल ही में महिला वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सबसे सफल स्पिनर कौन बनी है? राइट आंसर है मिस साना मीर। सो पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर मिस साना मीर हैं, वो वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर बनी हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे तेज बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स का परीक्षण किया है? राइट आंसर है जापान। सो रिसेंटली जापान ने विश्व की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स का परीक्षण किया है। युविका 2019 इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? राइट आंसर है इसरो। युविका है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये इसरो की एक पहल है। 2019 के मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता है? राइट आंसर है मिस कीकी बर्टन्स। सो 2019 के मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिस कीकी बर्टन्स ने विमेन सिंगल टाइटल जीता है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी लॉन्च की है?
राइट आंसर है एचडीएफसी अर्गो। सो रिसेंटली एचडीएफसी अर्गो ने एक मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी लॉन्च की है, यानी कि इस पॉलिसी के तहत मॉस्किटो से होने वाली डिजीज के लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाया जाएगा। नव वेंचर्स जिन्होंने फर्स्ट एवर वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है एग्रीकल्चर और रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स के लिए, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है? राइट आंसर है नाबार्ड। सो नव वेंचर्स नाबार्ड की एक सब्सिडरी है और रिसेंटली नव वेंचर्स ने फर्स्ट एवर वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है एग्रीकल्चर और रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स के लिए। इनमें से किन देशों ने मिलकर 2019 का ADMM प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करवाया था? राइट आंसर है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सो रिसेंटली सिंगापुर एंड साउथ कोरिया ने मिलकर ADMM प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज आयोजित करवाया था। ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। एशियाई सभ्यताओं की वार्ता पर सम्मेलन का आयोजक कौन सा देश है? राइट आंसर है चाइना। सो चाइना एशियन सभ्यताओं पर वार्ता का आयोजक है। ये कॉन्फ्रेंस चाइना की राजधानी बीजिंग में शुरू हुई। ICC ने पहली बार किन महिला को मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया है? राइट आंसर है मिस GS लक्ष्मी। सो रिसेंटली इंडिया की मिस GS लक्ष्मी हैं, उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया है और वो पहली महिला हैं जो मैच रेफरी के तौर पर अपॉइंट की गई हैं। इंडिया को किस फिस्कल ईयर के लिए GFDRR में कंसल्टेटिव ग्रुप के को चेयर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है? राइट आंसर है 2020। सो इंडिया को 2020 के लिए GFDRR यानी ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी के लिए जो कंसल्टेटिव ग्रुप हैं उसके को चेयर के तौर पर इलेक्ट किया गया है। GFDRR की बात करें तो यह है ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर है मिस आरोही पंडित। सो रिसेंटली मिस आरोही पंडित विश्व की पहली महिला बनी है जिन्होंने लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक ओशन को पार किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में महिलाएं इलेक्शन के वोट काउंटिंग का पूरा कार्यभार संभालेंगी? राइट आंसर है हरदा। सो मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में महिलाएं वोट काउंटिंग का एंटायर कार्यभार हैं वो संभालेंगी। वैज्ञानिकों ने किस लैब में नए प्रकार का प्लास्टिक PDK बनाया है जो कि हमेशा रिसाइकिल किया जा सकता है? राइट आंसर है लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी। सो रिसेंटली USA के लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी ने PDK तैयार किया है। PDK है पॉलीडाई कैटोनिमाइन और ये प्लास्टिक का एक टाइप है जो कम्प्लीटली रिसाइकलेबल है। फ्रांस और किस देश ने जॉइंटली ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ क्राइस्टचर्च कॉल नाम के इनिशिएटिव की शुरुआत की है? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। सो रिसेंटली न्यूजीलैंड ने फ्रांस के साथ मिलकर क्राइस्टचर्च नाम के एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जो ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ काम करेगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं मिस जेसिंडा अर्डर्न, जबकि फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वेसाक वीक है जो कि रिसेंटली न्यूज में था, वो किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है बुद्धिज्म। राष्ट्रीय वेसाक वीक है ये बुद्धिज्म से संबंधित है। रिसेंटली श्रीलंका ने राष्ट्रीय वेसाक वीक को डिक्लेयर किया था। ये इवेंट बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। भारतीय पुरुष सीनियर फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर इगोर स्टीमैक। सो रिसेंटली क्रोशिया के मिस्टर इगोर स्टीमैक को इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम के कोच के तौर पर अपॉइंट किया गया है। हाल ही में न्यूज में रहने वाला लेक्नोचिस टिवानिया इनमें से किस राज्य में डिस्कवर किया गया है? राइट आंसर है आसाम। सो रिसेंटली आसाम में लेक्नोचिस टिवानिया है उसको डिस्कवर किया गया है। ये एक ऑर्किड टाइप है और ये रिसेंटली आसाम में पाया गया है। टेरेसा आइलैंड जो कि रिसेंटली न्यूज में था, इनमें से किस यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? राइट आंसर है अंडेमान एंड निकोबार।
टेरेसा आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। स्पेसिफिकली ये निकोबार आइलैंड ग्रुप का पार्ट है। 2023 के एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है चाइना। सो चाइना 2023 के एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन 2019 से 2021 नामक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है? राइट आंसर है आरबीआई। सो रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और इस डॉक्यूमेंट का थीम था एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस। रिसेंटली किस देश ने विकिपीडिया को सभी लैंग्वेज एडिशंस में ब्लॉक कर दिया है? राइट आंसर है चाइना। सो चाइना ने रिसेंटली विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि विकिपीडिया अब चाइना में एक्सेसिबल नहीं है। किस भारतीय न्यायाधीश को फिजी के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर है मिस्टर मदन भीमराव लोकुर। सो रिसेंटली जस्टिस मदन बी लोकुर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज हैं, उन्हें फिजी के सुप्रीम कोर्ट ने नॉन रेजिडेंट पैनल में जज के तौर पर अपॉइंट किया है। भारतीय नौसेना का पहला फुल फ्लेज्ड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो इनमें से किस शहर में ओपन हुआ है? राइट आंसर है कोलकाता। सो रिसेंटली इंडियन नेवी का पहला फुल फ्लेज्ड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है उसका उद्घाटन नेवी चीफ मिस्टर सुनील लांबा ने किया। रिसेंटली आईटीसी लिमिटेड के नए सीएमडी के तौर पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? राइट आंसर है मिस्टर संजीव पुरी। सो मिस्टर संजीव पुरी हैं वो आईटीसी लिमिटेड के नए सीएमडी अपॉइंट किए गए हैं। 2019 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम क्या था? राइट आंसर है फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और 2019 के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का थीम था फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। इनमें से किस बैंक ने गुआइबिबो के साथ मिलकर को ब्रांडेड मल्टी करेंसी ट्रेवल कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। सो रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने गुआइबिबो के साथ मिलकर मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नए चेयरपर्सन के तौर पर कौन अपॉइंट किए गए हैं? राइट आंसर है मिस्टर ए के सीकरी। सो जस्टिस ए के सीकरी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज हैं, उन्हें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है 2019 इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन है वो इनमें से किस शहर में आयोजित होगा? राइट आंसर है जैसलमेर। सो 2019 का इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन है वो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगा। एसटीआरआई यानी सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? राइट आंसर है ओईसीडी। सो ओईसीडी सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स जारी करता है जिसके तहत कंट्रीज को उनकी सर्विसेज की ट्रेड पॉलिसीज के बेस पर रैंकिंग दी जाती है। ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह जो कि रिसेंटली डीकमीशन किया गया है वो किस क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है? राइट आंसर है विक्रम। सो ICGS विग्रह जो कि विक्रम क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है वो रिसेंटली डीकमीशन किया गया है। 2019 के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम क्या है? राइट आंसर है ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। सो 2019 के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम है ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कोकोस कीलिंग आइलैंड इनमें से किस देश की एक्सटर्नल टेरिटरी है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सटर्नल टेरिटरी है और रिसेंटली ये आइलैंड न्यूज़ में था क्योंकि मरीन साइंटिस्ट ने प्लास्टिक पोल्यूशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है। कोकोस आइलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया का लास्ट अनस्पॉइल्ड पैराडाइस भी बोला जाता है।
उरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किन स्कल्पचर ने टॉप किया है? राइट आंसर है मिस्टर अनीस कपूर। सो मिस्टर अनीस कपूर ने उरून इंडिया आर्ट लिस्ट के फर्स्ट एडिशन में टॉप किया है। कद्दावो शिवदासन, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस पार्टी से संबंधित थे? राइट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो रिसेंटली कांग्रेस लीडर मिस्टर कद्दावो शिवदासन का निधन हुआ है। कमिंग राउंड द माउंटेन बुक के ऑथर कौन है? राइट आंसर है मिस्टर रस्किन बॉन्ड। सो मिस्टर रस्किन बॉन्ड हैं वो कमिंग राउंड द माउंटेन बुक के ऑथर हैं। बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को सम्मानित किया है? राइट आंसर है मिस्टर अनिल कपूर। सो मिस्टर अनिल कपूर को यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिल्ड्रन राइट्स को प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया है। किस इंडियन पर्सनैलिटी को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2019 के यूएन शाशाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर पी के मिश्रा। सो मिस्टर पी के मिश्रा को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यूएन शाशाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनएमसीजी, एचसीएल फाउंडेशन और इंटाक के बीच त्रिपक्षीय एमओयू के तहत किस राज्य में रुद्राक्ष वृक्षारोपण किया जाएगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। सो रिसेंटली एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एचसीएल फाउंडेशन और इंटाक के बीच। इस एग्रीमेंट के तहत उत्तराखंड में रुद्राक्ष के ट्रीज का वृक्षारोपण किया जाएगा। ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एक पहल है। 2019 के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम क्या है? राइट आंसर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर। हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और 2019 के वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का थीम था द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर। 2019 के इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को किन्होंने जीता है? राइट आंसर है मिस्टर राफेल नडाल। सो मिस्टर राफेल नडाल ने मिस्टर नोवाक जोकोविक को हराकर 2019 का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। किस कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया है जिसकी मदद से स्किन कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है और सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है? राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर्स ने स्किन कैंसर को डायग्नोस करने के लिए और सर्जरी परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया है। हाल ही में किस कमेटी ने आरबीआई को डिजिटल पेमेंट्स पर रिपोर्ट सबमिट की है? राइट आंसर है नंदन निलेखनी कमेटी। सो रिसेंटली मिस्टर नंदन निलेखनी कमेटी ने आरबीआई को डिजिटल पेमेंट्स पर रिपोर्ट सबमिट की है। आरबीआई की बात करें तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास। विदेशी मार्केट में मसाला बॉन्ड को लिस्ट करने वाला पहला इंडियन स्टेट कौन सा है? राइट आंसर है केरल। सो रिसेंटली केरल विदेशी मार्केट में मसाला बॉन्ड को लिस्ट करने वाला पहला इंडियन स्टेट बना है। मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। इयो मिंग पेई, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस कंट्री के एक रिनाउंड आर्किटेक्ट थे? राइट आंसर है चाइना। सो मिस्टर इयो मिंग पेई एक चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और रिसेंटली उनका निधन हुआ है। किस दिन को 2019 का वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेट किया गया? राइट आंसर है 18 मई। सो 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। सिम्बैक्स 19, जो कि नावल ड्रिल एक्सरसाइज हैं, वो इंडिया और किस देश के बीच शुरू हुई है? राइट आंसर है सिंगापुर। सो सिम्बैक्स हैं वो इंडिया और सिंगापुर के बीच एक बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हैं। ये रिसेंटली साउथ चाइना सी में शुरू हुई है। किन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली 23वीं टाइम चढ़ाई की है? राइट आंसर है कामी रीता शेरपा। सो नेपाल के माउंटेनर मिस्टर कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार सक्सेसफुली चढ़ाई करने वाले माउंटेनर बने हैं। प्रोजेक्ट स्पैरो किस यूनियन मिनिस्ट्री की पहल है? राइट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
प्रोजेक्ट स्पैरो लॉन्च किया है APAR राइटिंग के लिए। APAR है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और स्पैरो का फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? राइट आंसर है मिस्टर सिरिल रामाफोसा। सो रिसेंटली मिस्टर सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के तौर पर री इलेक्ट हुए हैं। वो 2019 के रिपब्लिक डे सेरेमनी के चीफ गेस्ट भी थे। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर है 21 मई। सो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट है वो हर साल 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सूर्य प्रकाश जो कि एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे वो किस स्टेट से एसोसिएटेड थे? राइट आंसर है तेलंगाना। सो रिसेंटली मिस्टर सूर्य प्रकाश जो कि एक वेल नोन आर्टिस्ट थे उनका निधन हुआ है, वो तेलंगाना से थे। रिसेंटली विजया मुले का निधन हुआ है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी? राइट आंसर है फिल्म इंडस्ट्री। सो रिसेंटली मिस विजया मुले का निधन हुआ है, वो एक रिनाउंड फिल्म मेकर और फिल्म हिस्टोरियन थी। इनमें से किस बैंक ने आर्ट ऑफ लिविंग के FMCG आर्म के साथ टाई अप किया है? राइट आंसर है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आर्ट ऑफ लिविंग के FMCG आर्म के साथ टाई अप किया है। चांसी चिटेटे जिन्हें रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के हाईएस्ट पीस कीपिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो किस कंट्री से हैं? राइट आंसर है मालावी। सो लेट मालावियन सोल्जर मिस्टर चांसी चिटेटे मालावी से थे और उन्हें यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट पीस कीपिंग अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड उन्हें 24 मई को दिया गया। 2019 के किड्स राइट्स इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग कितनी है? राइट आंसर है 117। सो 2019 के किड्स राइट्स इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 117। कॉम्बैट मिशंस के लिए क्वालिफाई करने वाली इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है? राइट आंसर है मिस भावना कांत। सो मिस भावना कांत हैं वो पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं जिन्होंने कॉम्बैट मिशंस के लिए क्वालिफाई किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को $750 मिलियन का लोन दिया है? राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के रेलवेज ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए $750 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। 2019 के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम क्या था? राइट आंसर है नो योर नंबर्स। सो 2019 के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का थीम था नो योर नंबर्स। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। किस जर्मन पेमेंट कंपनी ने पैन कार्ड्स इश्यू करने के लिए इंडिया के साथ टाई अप किया है? राइट आंसर है वायर कार्ड। सो रिसेंटली वायर कार्ड ने जो कि एक जर्मन पेमेंट कंपनी है उन्होंने इंडिया के साथ टाई अप किया है पैन कार्ड्स इश्यू करने के लिए। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल स्नेक बाइट एमरजेंसी को टैकल करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अनवेल की है? राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नई स्ट्रेटजी लॉन्च की है ताकि स्नेक बाइट एमरजेंसी को टैकल किया जा सके। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की कमर्शियल आर्म है? राइट आंसर है इसरो। सो रिसेंटली इसरो ने अपनी कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च की है। ये बेंगलुरु में इनोग्रेट की गई। किस स्पेस एजेंसी ने 2024 के आर्टेमिस मून मिशन के लिए शेड्यूल अनवेल किया है? राइट आंसर है नासा। सो नासा ने 2024 के आर्टेमिस मून मिशन के लिए शेड्यूल लॉन्च किया है। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने सुखोई कॉम्बैट जेट से इनर्शियल गाइडेड बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया है? राइट आंसर है DRDO। सो रिसेंटली DRDO ने सुखोई एयरक्राफ्ट से IGB यानी इनर्शियल गाइडेड बॉम्ब टेस्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स के किस रूसी निर्मित एयरक्राफ्ट को इंडिजीनियस बायोजेट फ्यूल पर ऑपरेट करने के लिए फॉर्मली सर्टिफाइड किया गया है? राइट आंसर है AN-32। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के
AN-32 को बायोजेट फ्यूल पर ऑपरेट करने के लिए फॉर्मली सर्टिफाइड किया गया है। AN-32 एक रशियन मेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये बायोजेट फ्यूल पर ऑपरेट करने के लिए सर्टिफाइड किया गया है। 2019 का वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? राइट आंसर है 23 मई। सो 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के तौर पर मनाया गया। यूक्रेन के नए राष्ट्रपति के तौर पर किन्होंने शपथ ली है? राइट आंसर है मिस्टर वोल्डिमिर जेलेंस्की। सो मिस्टर जेलेंस्की जो कि एक कॉमेडियन टर्न्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। RBI ने मॉडर्न करेंसी चेस्ट के सर्विस चार्जेस को एग्जिस्टिंग 5 रुपये पर 100 पीसीज के पैकेज से बढ़ाकर कितने रुपए तक करने की अनुमति दी है? राइट आंसर है 8। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉडर्न करेंसी चेस्ट पर सर्विस चार्जेस हैं वो 100 पीसीज के लिए 5 रुपये पर पैकेट से बढ़ाकर 8 रुपये तक करने की परमिशन दी है। इंडिया ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को किस एंटी टेरर लॉ के तहत बैन किया है? राइट आंसर है UAPA। सो रिसेंटली गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को बैन किया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2019 का थीम क्या है? राइट आंसर है आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ। सो हर साल 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2019 के इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का थीम था आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ। WHO ने रिसेंटली किन देशों को मलेरिया फ्री रिकॉग्नाइज किया है? राइट आंसर है अल्जीरिया। सो रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया फ्री कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है जबकि अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकी देश है। चागोस द्वीप समूह जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस ओशियन में है? राइट आंसर है इंडियन ओशियन। यानी चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है और इस रिजोल्यूशन में डिमांड की गई है कि UK चागोस आइलैंड से अपना कंट्रोल छोड़ दे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इनमें से किस शहर में आयोजित हुई? राइट आंसर है बिश्केक। सो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई। 2019 के वर्ल्ड बी डे का थीम क्या है? राइट आंसर है सेव द बीज। हर साल 20 मई को वर्ल्ड बी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और 2019 के वर्ल्ड बी डे का थीम था सेव द बीज। 4th अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने वाली पहली ब्लैक अफ्रीकन वुमेन कौन बनी है? राइट आंसर है मिस सराय खुमेलो। सो रिसेंटली मिस सराय खुमेलो फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन बनी है जिन्होंने 4th अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया है। किस भारतीय डॉक्टर को एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम 2019 में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस हेमा दिवाकर। सो रिसेंटली मिस हेमा दिवाकर को दुबई में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने 4th ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में 2019 जर्मन केमिस्ट्री प्राइज जीता है? राइट आंसर है मिस्टर अंकुर पटवर्धन। सो मिस्टर अंकुर पटवर्धन को 4th ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में 2019 जर्मन केमिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनमें से किस फुटबॉल टीम ने 2019 का इंडियन वीमेंस लीग जीता है? राइट आंसर है सेतु FC। सो रिसेंटली सेतु FC ने 2019 का इंडियन वीमेंस लीग जीता है। उन्होंने लुधियाना में मणिपुर पुलिस की टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीती। 2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस के मिड ईयर अपडेट के हिसाब से इंडिया का GDP फोरकास्ट क्या है? राइट आंसर है 7.1। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने
2019 के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस का मिड ईयर अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो है 7.1। इनमें से किन्होंने रिसेंटली 2019 सुधीर मन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है? राइट आंसर है चाइना। सो रिसेंटली चाइना ने 2019 का सुधीर मन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इनमें से किस इंडियन पर्सनैलिटी को 2019 के डॉक्टर ली जोंग वुक प्राइज से सम्मानित किया गया है पब्लिक हेल्थ के लिए? राइट आंसर है बलराम भार्गव। सो कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बलराम भार्गव हैं, उनको 2019 के डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज से सम्मानित किया गया है पब्लिक हेल्थ में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। बिस्केक में 2019 में SCO मास मीडिया फोरम में किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मास मीडिया फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड मास मीडिया फोरम था। ये किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक में हुआ। हेल्थ केयर अवार्ड में किस भारतीय व्यक्तित्व को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है आचार्य बालकृष्ण। सो आचार्य बालकृष्ण जो कि पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें UNSDG 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 25 मई। सो हर साल 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इनमें से किस देशों ने नावल ड्रिल एक्सरसाइज पैसिफिक वैनगार्ड में पार्टिसिपेट किया? राइट आंसर है जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। सो रिसेंटली USA, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पैसिफिक वैनगार्ड नावल ड्रिल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। 2019 का डायलन थॉमस पुरस्कार किन्होंने जीता है? राइट आंसर है गाय गुणारत्ने। सो ब्रिटिश श्रीलंकन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्री मेकर और नोवेलिस्ट मिस्टर गाय गुणारत्ने ने 2019 का डायलन थॉमस प्राइज जीता है अपने डेब्यू नोवेल इन आवर मैड एंड फ्यूरियस सिटी के लिए। इनमें से किस मूवी को वीरू देवगन ने कोरियोग्राफ किया है? राइट आंसर है मिस्टर इंडिया। सो मिस्टर वीरू देवगन जो कि एक वेटर्न एक्शन कोरियोग्राफर थे, उनका निधन हुआ है। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है? राइट आंसर है मिस्टर प्रेम सिंह तमांग। सो रिसेंटली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। महेश मंगावकर किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है स्क्वैश। मिस्टर मंगावकर स्क्वैश से संबंधित हैं और रिसेंटली उन्होंने दूसरी बार सेकिसुई ओपन टाइटल जीता है। मध्य प्रदेश की किस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ओरछा। सो रिसेंटली मध्य प्रदेश के ओरछा टाउन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ओरछा टाउन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर उराल लॉन्च किया है? राइट आंसर है रशिया। सो रिसेंटली रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च किया है। UN हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नैरोबी। सो UN हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है और रिसेंटली यहाँ UN हैबिटेट असेंबली का फर्स्ट सेशन आयोजित हुआ। राही सरनोबत जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंडिया का कोटा बुक किया है, वो किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है शूटिंग। सो मिस राही सरनोबत शूटिंग से संबंधित हैं और उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंडिया का कोटा बुक किया है। 2019 के फॉर्मूला 1 मोनेको ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती है? राइट आंसर है मिस्टर लुइस हैमिल्टन। सो मिस्टर लुइस हैमिल्टन ने 2019 की फॉर्मूला 1 मोनेको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मिस्टर हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। कल्पना दास जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस राज्य की एक
माउंटेनर थी। राइट आंसर है ओडिशा। सो मिस कल्पना दास, जो कि ओडिशा की पहली महिला माउंटेनर थी, रिसेंटली उनका निधन हुआ है। किन भारतीय सेना के अधिकारी को साउथ सूडान में यूएन मिशन के लिए कमांडर अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर सैलेस तिनिकर। सो लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर सैलेस तिनिकर को साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन के मिशन के लिए कमांडर अपॉइंट किया गया है। अक्टूबर 2020 में किस देश ने एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है स्वीडन। सो रिसेंटली स्वीडन ने अक्टूबर 2020 में एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत LTTE के बैन को एडजुडिकेट करने के लिए जिस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है उसकी हेड कौन है? राइट आंसर है मिस संगीता ढींगरा सहगल। सो मिस संगीता ढींगरा सहगल LTTE पर लगाए गए प्रतिबंध को एडजुडिकेट करने के लिए बनाई गई ट्रिब्यूनल की हेड हैं। CSIR NPL ने इनमें से किस रीडिफाइंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया है? राइट आंसर है मोल। सो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के दिन CSIR NPL यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने रीडिफाइंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया है। 2019 के वर्ल्ड नो टबैको डे का फोकस थीम क्या था? राइट आंसर है टबैको एंड लंग हेल्थ। हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे के तौर पर मनाया जाता है और 2019 के वर्ल्ड नो टबैको डे का थीम था टबैको एंड लंग हेल्थ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ओवर स्पीडिंग के केसेस को रोकने के लिए लेजर गन इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है गुजरात। सो रिसेंटली गुजरात पुलिस ने ओवर स्पीडिंग करने वाले व्हीकल्स को डिटेक्ट करने के लिए लेजर गन्स यूज करने का निर्णय लिया है। इन गन्स की मदद से व्हीकल्स की स्पीड के बारे में पता लगाया जा सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है? राइट आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। सो रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। इनमें से कौन से स्पीसीज ओरांगोटान स्पीसीज हैं? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो रिसेंटली इंडिया के एकमात्र ओरांगोटान बिन्नी का निधन हुआ है। ये ओडिशा के नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क में स्थित था। रिसेंटली इसरो ने किस इंडियन आर्म्ड फोर्स के साथ टाई अप किया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए? राइट आंसर है इंडियन एयरफोर्स। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स और इसरो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। इन एस्ट्रोनॉट्स को इसरो के गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ये थे मई 2019 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।